एक्सरसाइज नंबर 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट थर्ड। तो जैसे हमने लास्ट पार्ट सॉल्व किया वैसे हम करेंगे थर्ड पार्ट सॉल्व। तो सबसे पहले हम बनाएंगे लीनियर क्वेश्चन, लीनियर क्वेश्चन बनाने के बाद सॉल्व करेंगे किसी भी अलजेब्रिक मेथड से। तो अब हम देखते हैं हमें क्या गिवन दिया गया है। यश स्कोर 40 मार्क्स इन द टेस्ट। यश ने जो टेस्ट में मार्क्स प्राप्त किए वो क्या थे? 40। द 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड 1 मार्क्स लूज फॉर द रॉन्ग आंसर। उसने जब सही क्वेश्चन किए उसे 3 मार्क्स मिले पर क्वेश्चन, एंड जो उसने किया जो गलत रॉन्ग आंसर दिए उसका क्या हुआ? 1 मार्क्स कटा पर क्वेश्चन। तो उसे जो मार्क्स मिले वो कितने मिले? 40। तो इसलिए मैंने मान लिया करेक्ट आंसर क्या है x एंड इनकरेक्ट का आंसर क्या है y। तो उसने करेक्ट आंसर कितने दिए? 3x। हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन मान लिए जो करेक्ट है वो x, जो उसे मार्क्स मिले करेक्ट के वो कितने? 3। एंड माइनस क्यों? आप ये सपोज करो कि मेरे पास 12 क्वेश्चन एक टेस्ट में, जिसमें से मैंने 10 क्वेश्चन किए राइट एंड 2 क्वेश्चन किए रॉन्ग। अब जो राइट क्वेश्चन है उसके मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे? 3, 30 हो गया। अब माइनस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो मैंने किए गलत क्वेश्चन उसके जो मार्क्स कटेंगे वो कटेंगे 1 पर क्वेश्चन, तो टोटल मार्क्स कितने कटेंगे? 2। इसे अब मैं माइनस ही करूँगा ना तभी आएंगे ना 28। तो वैसे ही जो मेरे राइट आंसर थे वो क्या थे? x। तो जो राइट आंसर के मुझे मार्क्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? 3। एंड मेरे पास रॉन्ग आंसर कौन से हैं? y। एंड उसके जो मार्क्स कटेंगे वो क्या कटेंगे? 1 पर रॉन्ग क्वेश्चन। जो हमें मार्क्स गिवन दिए गए हैं वो क्या हैं? 40। तो यहाँ पर ये इक्वेशन बन गई 3x - y = 40। इसे हम मान लो फर्स्ट। आई होप आपको समझ आ चुका होगा, नहीं तो अदरवाइज सेकंड जब क्वेश्चन निकालेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। जो 4 मार्क्स मिलते हैं वो करेक्ट आंसर के मिलते हैं। एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फ्रॉम ईच इनकरेक्ट आंसर। 2 मार्क्स जो कटेंगे वो किस में कटेंगे? इनकरेक्ट आंसर के कारण। तो राइट आंसर के क्या मिलते हैं हमें? 4x। इनकरेक्ट के क्या मिलते हैं? 2y। दोनों को कम कर देंगे, कितने मार्क्स प्राप्त हुए? 50। एंड हमने क्या फाइंड क्या करना है? हाउ मैनी क्वेश्चन वर देयर इन टेस्ट। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट क्या थे? x। एंड इनकरेक्ट क्या थे? y। दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन का x + y। इसके लिए सबसे पहले हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन ये पड़ी हैं। तो इसे अब मैं किस मेथड से सॉल्व करूं कि मेरा आंसर इजी निकल जाए? तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर 2 क्या कॉमन है, तो निकालो 2 बाहर। 2x - y = क्या है? 50। ये इससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2x - y = 25। आप इसे मान लो सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए y के जो कोफिशियंट है, यहाँ पर y के कोफिशियंट क्या इक्वल है, तो दोनों कम करके सब्ट्रैक्ट। तो वैसे ही मैंने लिख दिया बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 3x - y = 40। एंड सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है? 2x - y = 25। साइन कर दोगे आप चेंज, जब साइन करोगे तो कट जाएगा जो कटता है, यहाँ पर आ जाएगा x। यहाँ पर 40 - 25 क्या आ जाएगा? 15। तो इसे हम करेंगे पुट इन 1। जब फर्स्ट क्वेश्चन में हम पुट करेंगे तो यहाँ पर x की जगह आ जाएगा 15, यहाँ पर आ जाएगा y = 40, यहाँ पर आ जाएगा 45 - y = 40, -y = 45 चला जाएगा उस साइड, तो माइनस का साइन आ जाएगा इधर 5 की जगह, तो y = 5। तो नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन क्या थे हमारे पास? 15। एंड इनकरेक्ट क्वेश्चन क्या थे? 5। एंड अब हमने निकालना है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो क्या थे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन? क्या आएंगे? x + y, 15 + 5 = 20। तो इसे अब लिखेंगे कैसे? हेंस द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 20।